हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके आज के इस टॉपिक में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हर स्टूडेंट्स को, हर पैरामेडिकल, मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसे इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए, आज का टॉपिक आप देख चुके होंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट है। तो इस टॉपिक को हम सभी लोग आज एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोट करें इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए, अब हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर। तो रीनल, मैं आपको बताना चाहूँगा, रीनल को हम सिंपल लैंग्वेज में किडनी भी कहते हैं या गुर्दे भी कहते हैं। तो रीनल को हम किडनी भी कहते हैं और कुछ लोग रीनल, किडनी, गुर्दे, ये तीनों एक ही नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन एंड आउटर रीजन कॉल्ड कोर्टेक्स। तो सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो किडनी होता है वो बीन शेप्ड होता है, बीन यानी राजमा, राजमा के आकार का होता है। एंड आउटर रीजन, जो इसके बाहर की जो एरिया होता है उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं। एंड इनर रीजन कॉल्ड मेड्यूला, और जो अंदर का एरिया होता है उसे हम मेड्यूला कहते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि किडनी जो होती है वो राजमा के आकार की होती है और इसका जो आउटर एरिया होता है उसे कोर्टेक्स और इनर एरिया को मेड्यूला कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, और इसकी जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ईच किडनी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, और हर किडनी में अप्रॉक्सीमेट 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, और 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, इसकी गिनती एक किडनी में 1 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट होती है। और अब अगर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी किडनी, हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं तो दूसरी में भी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 2 किडनी होती हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, और नेफ्रॉन की जो गिनती होती है ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो चलिए अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस, देयर आर सम बेसिक प्रोसेस, इसमें जो है सम कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं। किडनी के फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला जो फंक्शन होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। सेकेंड है ट्यूबुलर सिक्रीशंस, सेकेंड फंक्शन ट्यूबुलर सिक्रीशंस है। थर्ड है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, और ये वाटर का एक्सक्रीशन करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा वो वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके फालतू प्रोडक्ट होते हैं और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी बाहर निकालने की कोशिश करता है। एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ड्रग एंड टॉक्सिन्स, और इसके अलावा वो कुछ खराब तत्व या जहरीले तत्व को हमारी बॉडी में से बाहर निकालता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रेगुलेट ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, और ये जो है ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करता है। तो इस तरह से हमने अभी तक किडनी के फंक्शंस को देखा, किडनी के फंक्शंस को समझा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने यूरिनरी सिस्टम इससे पहले नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यूरिनरी सिस्टम के टॉपिक को ध्यान से पढ़ लें, ताकि यूरिनरी सिस्टम अगर आप पढ़ के आते हैं तो उसके बाद ये सिस्टम या ये टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आपको ये टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले यूरिनरी सिस्टम टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। यूरिनरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा पार्ट्स आते हैं। तो इसके बारे में हम सभी लोगों ने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा है। तो चलिए, अगर आपने वो सिस्टम नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर उस टॉपिक को, उस सिस्टम को पढ़ें,
तब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पोजीशन ऑफ द किडनी। किडनी की पोजीशन क्या है? द किडनी एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा टू द थर्ड लंबर वर्टेब्रा। और ये जो है ये उसकी पोजीशंस बता रहा है कि किडनी जो है वो मौजूद होती है लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रल और थर्ड लंबर वर्टेब्रल के पास। द राइट किडनी इज स्मॉलर देन द लेफ्ट किडनी। ईच किडनी मेजर 11 सेंटी लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो राइट किडनी होती है वो स्मॉलर देन द लेफ्ट किडनी, वो जो है लेफ्ट किडनी के अकॉर्डिंग थोड़ी स्मॉल होती है, छोटी होती है। ईच किडनी मेज़र जो है हर किडनी को मेज़र किया जाता है, 11 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ईच किडनी वेट, और अगर हम हर किडनी के वेट की बात करें तो वो 150 ग्राम के अप्रोक्सीमेट होता है। स्टूडेंट्स आप साथ में ये मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और इसके साथ में आपको ये जो डायग्राम्स दिखाई दे रही हैं उसके ज़रिए आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने पोजीशंस को देखा। अभी तक हमने किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको कुछ पार्ट्स के बारे में बताया, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बताया। उसके बाद हम पोजीशंस देखी, हमने किडनी की पोजीशंस देखी, और पोजीशन देखने के बाद हम डायग्राम में भी हर एक चीज़ देख रहे हैं, और मैं आपको हर लेवल से हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उन्हें भी ये वीडियो और इस टॉपिक के बारे में समझ में आता होगा, और जो बच्चे इस बैकग्राउंड से हैं उनको तो बकायदा अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा और समझ में आता होगा। तो इस तरह से हमने ये पोजीशंस पढ़ी है। पोजीशंस के बाद हम आगे कुछ और टॉपिक्स पे बात करेंगे और भी चीज़ें जानेंगे। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस चैनल पर मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता हूँ, और आप जो है इस चैनल को, इस चैनल के साथ जुड़िए। तो आपने अभी ये नेफ्रॉन की डायग्राम को देखा, तो अब हम पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिकली द किडनी आर मेड ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। जो अगर हम माइक्रोस्कोपी में किडनी को देखते हैं तो उसमें जो है हमें उसकी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं वो हमें दिखाई देती है, और उसकी गिनती हमने पहले भी बात की और अब फिर मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। स्टूडेंट्स एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ बुक्स में देयर नेफ्रॉन की गिनती हर बुक्स में अलग अलग होती है, तो वैसे नेफ्रॉन की जो गिनती होती है वो अप्रॉक्सीमेट गिनती होती है। कुछ बुक्स में उसकी गिनती कुछ अलग लिखी हुई है, कुछ में अलग, लेकिन इसकी जो गिनती होती है वो होती मिलियंस में ही है। जिस तरह हम बाल को नहीं गिन सकते हैं उसी तरह से नेफ्रॉन को भी गिनना मुश्किल होता है, लेकिन इसकी जो इनकी जो गिनती होती है वो मिलियंस में दी हुई होती है, और ये गिनती जो है अप्रॉक्सीमेटली होती है, और आप किसी भी बुक में देखेंगे तो इसकी गिनती अप्रॉक्सीमेटली में ही दी जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अभी तक देखा कि जो ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जब हम किडनी को काटेंगे या उसको देखना चाहेंगे, अगर नेफ्रॉन को देखना चाहेंगे तो हम माइक्रोस्कोपी के अंदर ही नेफ्रॉन को देख सकते हैं, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाया था और आप अब भी देख सकते हैं, आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आप ये टॉपिक को समझिए, जानिए, और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट की। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में जैसे कि किडनी को देखते हैं, जांचा जाता है कि किडनी नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो इसके लिए कुछ जांच होती हैं, तो वो जांच है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिन एनालिसिस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सोडियम पोटाशियम।
स्टूडेंट्स, ये जो जांच है, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जो है आपके किडनी के जांच के लिए की जाती है कि किडनी सही है या नहीं सही है, और किडनी जांच के लिए ये सब जांचें की जाती हैं। तो आने वाली वीडियो में हम इन जांच के बारे में अलग से और एक्सप्लेन में देखेंगे। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग इसी तरह से सीरियल वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के जरिए और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोग इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, और ताकि हम लोग अपनी क्लास को रेगुलर स्टार्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, आप रेगुलर इस चैनल के साथ जुड़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और वो भी इस तरह से घर बैठे इस लॉकडाउन में फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।